जिंदगी लाइव में आज हमारे साथ हैं गोविंद जयसवाल। बनारस में एक कमरे के घर में पले बढ़े, पड़ोसियों के ताने सहे, गरीबी देखी लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उसी की बदौलत आज वो एक IAS ऑफिसर हैं। आज आप जो कुछ हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए किस किस को शुक्रिया कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे? मेरी सिस्टर्स हैं ममता दी और गीता दी। ममता दी तो पता नहीं किस जन्म का पुण्य था कि ऐसा मिला था कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे, UPSC का फाइनल एग्जामिनेशन था, तो वो प्रेग्नेंट थी, उनको कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ गई थी और मेरा इंटरव्यू था अप्रैल में, तो उन्हें डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें दे दी पैसा, 5000 कपड़े और जूते खरीदने थे इंटरव्यू के लिए। तो लोगों ने पूछा क्या करूँ, कहे नहीं उसका रिजल्ट आएगा 14 मई को ना, उसके बाद हम करवा लेंगे। वो विश्वास हम टूटने नहीं देना चाहते थे और उसी की मतलब बदौलत था कि UPSC ने हमें 70% मार्क्स दिए थे, जो ऑल ओवर इंडिया हिंदी माध्यम में सर्वोच्च मार्क्स थे। और उन अभावों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा शक्तिमान बनाया। गोविंद, आज ममता दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। गोविंद शुरू से बहुत मेहनती था, पढ़ने लिखने में वो हर हमेशा फर्स्ट क्लास आता था और आज जो भी किया है सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से किया है और सबकी मदद तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसका कहना था कि दीदी अभाव के प्रभाव से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिन्हें याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अब जिंदगी ही अब चूंकि संघर्षपूर्ण रहती तो उसको देखकर आंसू तो आ ही जाते हैं, बट लगता है कि आदमी अगर प्रयास करे तो कोई चीज असंभव नहीं रह गई है। पिताजी ने जब रिक्शा बेचा, वो एक तो उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि वो बहुत सिंपल पर्सन है और वो कभी भी हमको गाइडेंस नहीं दिए, इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि हमें जानकारी नहीं है और अपनी जानकारी को हम तुम पर इम्पोज नहीं करेंगे, तो कहते जितना हमसे मैक्सिमम हो पाएगा, क्योंकि उनको तो 4 साल से पैर में सेप्टिक हो गया था तो वो चल नहीं पाते, तो उनके पास 3-4 रिक्शा थे जिसके बल पर वो किराए पर दे देते थे, लेकिन कभी कभी एक साथ में पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, जो चीज़ है तुम्हारे लिए तो है, चाहे किसी के पास 2 लाख 4 लाख रहता है, हमारे पास 2-3 रिक्शा है, तुम्हारा ही है, तो उसको भेज देते हैं।